इतनी महंगाई है कि खर्चा खाने के लिए मुश्किल हो गई है। टोल काटते हैं, नजायज कर नहीं लगने चाहिए। वैसे भी गवर्नमेंट रूलिंग कहती है 60 किलोमीटर के अंदर 60 किलोमीटर तो वो बनता नहीं है ना, तो बंद वाला बंद से लेकर ये ठंडी खुई वाले बनता है ना, ठंडी खुई से लखनपुर वाला बनता है, ये नजायज हो रहा है। नहीं, ये गलत है। 3 टोल प्लाजे हैं रास्ते में, एक वन टोल प्लाजा हो गया, एक इधर है कठुआ की साइड है और एक ये लखनपुर में। ये तो आगे दुनिया प्रॉब्लम में है, तो ये टोल प्लाजा लग जाएगा तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आगे गरीबी में दुनिया जी रही है। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ़, मैं हूँ आशिया खान। बात करें अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी की, तो जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें, जो कुछ दिन पहले लखनपुर में टोल प्लाजा स्टार्ट हुआ है, हम उसी पर अगर बात करें, तो अब जम्मू के जो मंदिरों का शहर है उसे एक नया नाम दिया गया है, सिटी ऑफ टोल प्लाजा। ये नाम इसीलिए दिया है क्योंकि जम्मू को गिफ्ट में टोल प्लाजा दिए जा रहे हैं। आखिर हम यही केंद्रीय सरकार में जो हमारे लीडर्स बैठे हैं, जबकि वो खुद मानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसमें टोल नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि जो यूटीज़ हैं उसमें टोल होते ही नहीं है। फिर हमारी जो जम्मू कश्मीर की यूटी है इसमें टोल पे टोल दिए जा रहे हैं। हमें भी ये समझ नहीं आता कि टोल पे टोल का झोल कब तक चलेगा। तो इसी सिलसिले में आज हम जम्मू की जो आवाम है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनका इस टोल प्लाजा के मुद्दे पर क्या कहना है। चलिए हम आम पब्लिक की राय जानते हैं इस पे। सर, आपको क्या लगता है, टोल प्लाजा जो लखनपुर में अभी लगा है, ये लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था? ये बेटे ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी दे नहीं सकता है। इतनी महंगाई है कि खर्चा खाने के लिए मुश्किल हो गई हुई है। ये नजायज करते हैं, टोल दो, ये करो, ये टैक्स भरो, ये गरीबों के लिए बहुत शर्म की बात है कि हम भूखे मार रहे हैं, ये टोल काटते हैं, नजायज करते हैं हमारे लिए, गरीबों के लिए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इस टोल को उखाड़ फेंक देना चाहिए सरकार ने? इसको उखाड़ देना चाहिए बिल्कुल, के गरीबों को भला हो जाए। क्या लगता है, ये जो लखनपुर में टोल प्लाजा लगाया गया है, ये जरूरी था? नहीं, ये गलत है। 3 टोल प्लाजे हैं रास्ते में, एक वन टोल प्लाजा हो गया, एक इधर है कठुआ की साइड है और एक ये लखनपुर में। गाड़ी वाले कितना टोल पे करेंगे, नुकसान ही है। तो आपको क्या लगता है कि जो जम्मू के लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा या जो बाहर से आएंगे, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, इसको हटाने की तरफ? हाँ, हटाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबको घाटा है इसमें। सर, आपको क्या लगता है, ये जो लखनपुर में नया टोल प्लाजा लगा, ये लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। वैसे भी गवर्नमेंट रूलिंग कहती है 60 किलोमीटर के अंदर 60 किलोमीटर तो वो बनता नहीं है ना, तो बंद वाला बंद से लेकर ये ठंडी खुई वाले बनता है ना, ठंडी खुई से लखनपुर वाला बनता है, ये नजायज़ हो रहा है। गवर्नमेंट लूट रही है लोगों को। सर, आपके कहने का मतलब है कि इससे आम जो जनता है उसको नुकसान हो रहा है, तो आपको क्या लगता है, इसको उखाड़ देना चाहिए सरकार को? 100% उठाना चाहिए और बड़ा सिस्टमेटिकली उठ जाना चाहिए। कब का उठ जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं उठा, ये तो हमें समझ नहीं आ रही है। चाचू, ये जो लखनपुर में ये टोल शुरू हुआ, आपको क्या लगता है, ये लगना चाहिए था नहीं लगना चाहिए था? ये नहीं लगना चाहिए जी, ये तो आगे दुनिया प्रॉब्लम में है, तो ये टोल प्लाजा लग जाएगा तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आगे गरीबी में दुनिया जी रही है और गरीब हो जाएंगे, आगे गाड़ी वालों का काम नहीं है, वो परेशानी में है आगे बेचारे, उनका गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है, तो अब ये टोल प्लाजा नहीं लगना चाहिए। चाचू, इससे जनता को आपको क्या लगता है, नुकसान है या फायदा है? नुकसान ही है जी, ये जो टोल प्लाजा लगेगा ये हम लोगों से ही निकलेगा, जैसे टोल प्लाजा लगेगा ये हम लोगों से पैसे वसूल होंगे, ये गरीब को तंग करने वाली बात है जी। हाँ जी, जो लखनपुर का नया टोल प्लाजा जो अभी स्टार्ट हुआ है, आपको क्या लगता है, इससे जम्मू व कश्मीर की आवाम को फायदा है या नुकसान है? बिल्कुल, हमने वोट दिए हैं तो फ़ायदा भी हमें ही है, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को, रविंदर रैना जी को, और वहाँ के जो MLA थे गंगा जी उनको, और लखनपुर में पहले तो लाल सिंह उनके साथ थे, लाल सिंह जी को भी, क्योंकि अब तो उन्होंने अपनी डोगरा स्वाभिमान संगठन बना लिया, लेकिन तब वो BJP में थे, और उसके बाद जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पद अधिकारी हैं उन इजला के जहाँ पर ये टोल पोस्ट लगे हैं, सबको मुबारकबाद है, और बिलखसूस उन आवाम को मुबारकबाद है जिन्हें वोट दिए थे। अब डीजल और पेट्रोल की कीमतें जहाँ 80 और 75 रुपये हुई हैं, वहीं पे अगर आपको टोल भी देना पड़ेगा तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके लिए मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट किया था।
सोर्सेज के हवाले से ये पता चला कि और टोल लगने चाहिए, जहाँ की पुराने नहीं उखाड़े जा रहे वहाँ पे और टोल लगाने की बात की जा रही है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये देखें कि हमारी रोड्स जो हैं आज उनका आप मुकाबला लंदन की रोड्स के साथ कर सकते हैं। आप देखें कि हमारी रोड्स इतनी अच्छी हैं कि आपको एक खड्डा भी हमारी रोड्स के अंदर नहीं दिखाई देगा। आप देखें कि जो हम परमिट गाड़ी का बनाते हैं, जब हम रोड टैक्स कटवाते हैं, वो गाड़ी के साथ ही कट चुका होता है, लेकिन उसके बाद जो ये टैक्स जो टोल प्लाजा लगाया जाता है, ये लगाया जाता है जब हम किसी चीज़ को एक्सटेंड करते हैं, जब उसको बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है जम्मू सांबा कठुआ और जम्मू कठुआ सांबा ही कहूँगा कि इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, कि इन लोगों ने बहुत प्यार किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जब आप प्यार करेंगे किसी बेवफा के साथ तो कुछ ना कुछ उसके फ़ायदे और कुछ ना कुछ नुकसानात भी होंगे। और अब मैं मुबारकबाद दूंगा अखनूर के लोगों को, जहां से उनके लेजिस्लेटर जो थे श्यामलाल शर्मा जी, ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, कि अब वहां पे भी एक टोल प्लाज़ा सुनने में आया लगने वाला है। सरोड़ में टोल प्लाज़ा, चिनैनी में टोल प्लाज़ा, लखनपुर में टोल प्लाज़ा, और मुझे लग रहा है कि ये टोल प्लाज़ा जो है जहाँ जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं वहाँ वहाँ पे लोगों की मंशा पर, लोगों के, क्योंकि लोगों की मंशा होती है वोट, जब आपने एक बार वोट दे दिया उसके बाद आपको कोई अधिकार नहीं है अपनी गवर्नमेंट को गलत कहने का। मैं मुबारकबाद देता हूं तमाम वोटर्स को जिनने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए और टोल प्लाजा जो है अपनी तरक्की के लिए इस जम्मू के शहर में लाए। टोल पर टोल का झोल, इससे हमने आपको स्थानीय जो हमारी जम्मू की पब्लिक है उनकी हमने आपको बातचीत सुनवाई। उन्होंने कहा कि कोविड के चलते आगे ही पहले ही महामारी के चलते जम्मू के लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसके ऊपर एक और टोल लगाकर हमारी मुश्किलों को कम नहीं बढ़ाया जा रहा है। उनकी भी यही मांग है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन टोलों को उखाड़ा जाए और ये टोल इवन कि यूटीज़ में टोल लगाए ही ना जाएं, क्योंकि इसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करेंगे कि इन टोल को उखाड़ फेंका जाए, जैसे कि केंद्रीय सरकार वादा करती है कि हम टोल को उखाड़ फेंकेंगे। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।